Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the fourth part of chapter 8. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका जो chapter 8 चल रहा है जिसका नाम है autobiography of Gulliver उसका fourth part and last part करने जा रहे हैं. तो सभी बच्चे अपनी कॉपी खोल लो और ध्यान से इस chapter को मेरे साथ पढ़ो. इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो गुलिवर नाम का व्यक्ति है वो किस तरह से एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है और उस दुनिया में उसे बड़े ही छोटे छोटे व्यक्ति मिलते हैं, यानी वो एक अलग ही दुनिया होती है, अलग ही शहर होता है. तो वो उन छोटे छोटे व्यक्तियों की क्या करता है, हेल्प करता है. जब उनकी हेल्प करता है तो वो उनके साथ रहने लगता है. एक दूसरा राज्य भी है वहाँ पर, दो राज्य हैं, एक है लिलीपुट और दूसरा है बिलेफुस्कू. तो वो अब लिलीपुट से जो बिलेफुस्कू का राजा है वो उसे अपने यहाँ बुलाता है. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की कहानी. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द बिलेफुस्कुडियंस वेलकम्ड मी. आई एंजॉयड देयर फूड, ड्रिंक, सॉन्ग्स एंड डांसेस. 3 days आफ्टर मी अराइवल आई सॉ अ बोट ऑन द शोर्स. आई गॉट इट रिपेयर्ड with the help of their workers. Means the Blefuscudians welcomed me. यानी जो Blefuscu है उसके जो निवासी हैं वो उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं. I enjoyed their food. मैंने enjoy किया, बहुत आनंद लिया. Their food मैंने उनके खाने का. Drink जो उन्होंने मुझे drink पिलाई, जो उन्होंने शरबत मुझे पिलाया उसका मैंने बहुत आनंद लिया. Songs का, गानों का and dances और वहाँ के जो फेमस नृत्य थे, जो वहाँ के डांस थे उनका मैंने खूब आनंद लिया. 3 days आफ्टर माई अराइवल, यानी मेरे पहुँचने के 3 दिन बाद. अराइवल का मतलब होता है पहुँचना. आई सा मैंने देखा, अ बोट मैंने एक नाव, ऑन द शोर्स मिस किनारे पर, यानी मैंने समुद्र के किनारे एक नाव देखी. आई गॉट इट रिपेयर्ड मैंने इसे रिपेयर्ड किया, यानी ठीक किया, उसकी मरम्मत की. With the help of their workers, यानी जो दूसरे सैनिक थे, जो उनके दूसरे काम करने वाले थे, उनकी सहायता से मैंने उस नाव को ठीक किया. Meanwhile, some officials of Lilliput advised their king to get me prisoner for going to Blefuscu. Apparently, they put other false charges against me and sent a messenger to the king of Blefuscu to get me prisoned and sent back to Lilliput. The king of Blefuscu refused them. Means, meanwhile माने इसी दौरान some officials यानी कुछ जो officer थे, जो अधिकारी थे Lilliput के, जो अधिकारी थे Lilliput के शहर में जहाँ वो पहले रुका था, एडवाइज देयर किंग, एडवाइज मीन्स सलाह देना, देयर किंग, किंग मीन्स अपने राजा को, यानी वहाँ के अधिकारियों ने अपने राजा को सलाह दी टू गेट मी प्रिजनर, मुझे कैदी बनाने की, फॉर गोइंग Blefuscu, Blefuscu जाने की वजह से उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया और राजा से कहा कि वो मुझे अपनी कैद में डाल दे. Apparently they put other false charges. फॉल्स चार्जेस का मतलब झूठे आरोप लगाए. स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने उस पर कुछ झूठे आरोप लगाए. अगेंस्ट मी माने मेरे खिलाफ. एंड सेंड अ मैसेंजर और एक अपना संदेश वाहक, एक अपना संदेश भेजा, एक व्यक्ति को अपना संदेश लेकर भेजा, मैसेज लेकर भेजा टू द किंग ऑफ Blefuscu, Blefuscu के राजा के पास, टू गेट मी प्रिजेंट कि वो मुझे अपना कैदी बनाए. And send back to Lilliput और Lilliput में वापस मुझे भेज दे. The king of Blefuscu, जो Blefuscu का राजा था, refused them, उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया. Refused का मतलब होता है मना कर देना. Now let's see the next paragraph. I begged the king of Blefuscu to return to my country. He agreed, though he offered me his protection. He gave me enough food for the journey, gold, coin, other gifts. When the wind was fair, I set sail for home. Before long,
बिफोर लॉन्ग अ बिग शिप, बिफोर लॉन्ग अ बिग, यहाँ लिखा हुआ है बिग शिप, बी आई जी बिग शिप, बिग शिप अदर गिफ्ट्स. When the wind was second line है, picked me up and carried me to England. I arrived England on the April 1702 1702, means I begged Miss Prarthana Karna to the king, Miss Raja से, Blefuscu यानी Blefuscu एक राज्य का नाम है, उसके राजा से प्रार्थना की टू रिटर्न, कि वो मुझे वापस भेज दे. कहाँ भेज दे? टू माई कंट्री, कि वो मुझे मेरे देश वापस भेज दे. ऐसी मैंने प्रार्थना राजा से की. ही एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, रजामंद होना. वो सहमत हो गया. थ्रो ही ऑफर्ड मी हिज प्रोटेक्शन, इसलिए हालांकि उसने मुझे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा देने का भी वादा किया. He gave me enough, enough का मतलब होता है पर्याप्त, यानी काफी मात्रा में. He gave me enough food, उसने मुझे काफी मात्रा में food दिया, खाना दिया. For the journey, journey means यात्रा, यात्रा के दौरान. Gold coins यानी सोने के सिक्के दिए. Other gifts और दूसरे उपहार भी दिए. When माने जब, the wind was, wind means air यानी हवा. The wind was fair, जब हवा अच्छी चल रही थी. Fair means अच्छी. I set sail for home, तो मैंने sail miss यात्रा करनी शुरू कर दी. From home, अपने घर के लिए, तो मैंने अपने घर के लिए यात्रा करनी शुरू कर दी नाव से. Before a long a big ship, before यानी जब तक, a big ship एक बड़े पानी के जहाज ने, picked me up मुझे उठा नहीं लिया. यानी जब तक एक बड़ा पानी का जहाज नहीं आया, उसके आने से पहले मैं यात्रा कर रहा था, लेकिन जब वो पानी का एक बड़ा जहाज मुझे दिखाई दिया, तो उस पानी के बड़े जहाज ने मुझे अपने पास बुला लिया और मेरी नाव को अपने जहाज में रख लिया, मुझे उठा लिया. पिक्ड मी एंड कैरिड मी टू इंग्लैंड, कैरिड मीन्स ले जाना, इंग्लैंड, इंग्लैंड शहर में यानी, और मुझे वो इंग्लैंड शहर में ले गए. आई अराइव्ड, मैं पहुंचा इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑन द 14th अप्रैल, 14th अप्रैल है, 14th अप्रैल 1702. मैं जो है 14 अप्रैल 1702 को इंग्लैंड पहुंच गया, जो उसका शहर था. Now let's see the next and last stanza of this chapter. Everyone at the ship and in England did not believe me story. They would cry, Come, come, good sir, surely you have been dreaming. Then I showed them some tinny kettle which I had brought home along with me, and nothing to say but stare at me. Means everyone, माने प्रत्येक व्यक्ति, at the ship, पानी के जहाज पर जो प्रत्येक व्यक्ति था, and in England, और इंग्लैंड शहर में जो व्यक्ति थे, Did not believe my story. उन्होंने मेरी कहानी पर believe यानी भरोसा नहीं किया. Believe का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना. जो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया. They would cry, वो सब चिल्ला रहे थे, Come, come, good sir, यानी श्रीमान आओ आओ. Surely you have been dreaming. Dreaming means सपना देखना. वास्तव में आप कुछ ना कुछ सपना देख रहे होंगे. आप अपने सपने, सपने की बातें हमें बता रहे हैं, ऐसा वो लोग कहने लगे. Then माने तब, I showed them, तब मैंने उन्हें दिखाया, some tiny cattle का मतलब कुछ छोटे जानवर जो मैं अपने साथ लाया था. Which माने जो, I had brought means लाना, home along with me, जो मैं अपने साथ घर लेकर आया था, वो मैंने उन्हें सारे छोटे छोटे जानवर दिखाए. एंड द नथिंग टू से, और द एंड दे हैड नथिंग टू से, और वो कुछ नहीं कह सके, बट स्टेयर एट मी, बस वो मुझे लगातार घूर घूर कर देख रहे थे. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटे जानवर भी होते हैं.
तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में गुलीवर की, हमने गुलीवर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसने यात्रा की, किस तरह से वो अलग दुनिया में पहुँचा, फिर वापस आया, अपने लोगों को उसने विश्वास दिलाया। तो आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जैसे नेविगेशन का मतलब होता है सेलिंग ऑन द सी, यानी समुद्र पर यात्रा करना कहलाता है नेविगेशन। मिस्टी माने कवर्ड विथ क्लाउड्स नियर द सी, यानी समुद्र के पास जो घने बादल होते हैं, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, ढके रहते हैं, उसे बोलते हैं मिस्टी। रफर का मतलब स्टॉर्मी यानी तूफानी। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाइड अ बॉडली नीड स्पेशली फॉर फूड, यानी जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाने की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं एपिटाइट। टिकर, टच इन वे द केसेस टीचिंग एंड ट्विचिंग एंड ऑफ्टन लाफ्टर। टिकर मतलब चुभना, कुछ चीज़ का चुभना और उसे फिर हंसी आना। कन्फर्ड, ग्रांटेड अ टाइटल। कन्फर्ड का मतलब होता है किसी को कोई उपाधि देना। रिलेक्टेंटली माने अनविलिंग यानी बिना इच्छा के। अपेरेंटली माने सीमिंग रियल यानी वास्तविक सा लगना, बट नॉट नेसेसरी टू, लेकिन ऐसा ना होना। अपेरेंटली का मतलब एक स्पष्ट रूप से भी होता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा होता है, आप सभी को इसकी रीडिंग करनी है, अगले टर्न पर इसके नोट्स सेंड किए जाएंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।